कैसे हम स्कूल से आओ तो आराम से क्यों आ रहे हैं? वो भी आप ही का इशू है, लेकिन आपने लगाया क्यों नहीं? आप ये बताओ, आप अभी तो रहने जा रहे थे, आपने क्यों नहीं लगाया मास्क? अरे छत्तीसगढ़ में ये लापरवाही भारी पड़ रही है। रायपुर और दुर्ग प्रदेश के ये दो जिले इन दिनों कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से सुर्खियों में हैं। कई इलाकों में एक साथ कोरोना मरीज मिलने के बाद राजधानी के अविनाश प्राइड, चंगोरा भाटा के गणपति नगर और गुड़ियारी के कई इलाकों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। लोग जागरूक नहीं है, लोगों को बड़े हल्के रूप से कोरोना को ले रहे हैं, जबकि यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में लगभग रोज के रोज 1,000-2,000 केसेस आ रहे हैं। यह अपना विकराल रूप वापस धारण न कर ले, इसलिए लोगों को जागरूक रह के मास्क को नियमित रूप से पहनना चाहिए और अनावश्यक भीड़ में जाने से बचना चाहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है, लेकिन सावधानी बरतने वाले लोगों पर लापरवाह लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है। बाजार, सार्वजनिक स्थानों पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके चेहरे पर ना मास्क होगा और ना ही वे कोविड गाइडलाइंस का पालन करते दिखेंगे। बोलना चाहिए कुछ लोग तो है जो जागरूक है, जागरूक लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, और जो लापरवाही बरतने वाले लोग हैं उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो जा रही है, जिस कारण से आज के डेट में फिर से पुराने जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम मास्क न लगाने वालों से फाइन वसूल रहा है। ये जुर्माना पहले 100 से बढ़ाकर 200 किया गया, अब ₹500 का फाइन चार्ज किया जा रहा है। नगर निगम की कर्मचारी कहती है कि जब तक लोगों को समझा नहीं लेंगे यहाँ से हटेंगे नहीं। 100% में 20% ऐसे लोग हैं जो अभी तक नहीं समझ रहे हैं, जिनको समझाना हमारा उद्देश्य है, और जब तक ये हो नहीं जाएगा हम यहाँ खड़े रहेंगे। और हमें भी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, लोगों की गालियाँ सुनने को मिलती हैं, बहुत सारे चीज़ों को वो करना फेस करना पड़ रहा है, लेकिन उससे हम डरेंगे नहीं, हम लोगों को समझा के रहेंगे। बढ़ते केस को देखते हुए राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ा दी गई है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को खाद्य सामग्री और इमरजेंसी सेवा उपलब्ध कराने का कार्य जोन कार्यालय को सौंपा गया है। यहाँ पे कम से कम ऐसे परिवार हैं जिसके एक ही परिवार में 11 लोग पॉजिटिव निकल चुके हैं, और आसपास में कम से कम एक दो घर और है वहाँ भी पॉजिटिव निकल गया, इसलिए हमारे अधिकारियों ने इसको कंटेनमेंट चिन्हांकित किए कला के, तो तत्काल हम रातों रात कल PWD से वहाँ से बांस बल्ले बुलाकर हम यहाँ पे कंटेनमेंट बनवा दिए हैं, ताकि आने जाने वाले को सुविधा मत हो, यहाँ पे अंदर घुस मत पाए, ताकि यहाँ का जो वातावरण, बाहर के लोग जो महाराष्ट्र के लोग आए हैं उन लोग यहाँ रह रहे हैं जब से, और आना जाना बहुत कर रहे हैं गाड़ी वाले, इसलिए हम इसको कंटेनमेंट जोन बना दिए। डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंगोरा भाटा आशा दीप स्कूल के पास गणपति नगर है, जहां करीबन 14 पेशेंट मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, इस कारण वहां पे कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। करीबन 50 मीटर दूरी पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। नगर निगम के माध्यम से उनको सब चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस 15,000 के पार है। हर रोज रायपुर दुर्ग समेत लगभग सभी जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर लोगों ने ऐसे ही लापरवाही बरती तो कहीं हालात काबू से बाहर ना हो जाए। रितेश तंबोली, ETV भारत, रायपुर।